राम कथा में एक प्रसंग आता है जब एक बार शिव भोले बाबा और माता पार्वती गए थे कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए। हालांकि मालवाड़ा में पहले कोई राम कथा नहीं सुनी है किसी ने, इसलिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूज ही ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। शिव भोले बाबा और माता पार्वती पहुंच गए। अब मेरे भाई बहनों क्या हुआ, कुंभज ऋषि ने शिव भोले बाबा को प्रणाम कर दिया। तो माता पार्वती जी के दिमाग में एक बात बैठ गई, जो मेरे पति को प्रणाम करे वो क्या कथा सुनाएंगे। और माता पार्वती ने फिर कथा में ध्यान ही नहीं लगाया। कुंभज ऋषि कथा कहते रहे और माता पार्वती तो सुनती नहीं थी, शिव जी सुन रहे थे। फिर उसके बाद में मेरे भाई बहनों शिव भोले बाबा ने अनुमति मांगी कि अब मैं जा सकता हूं, कथा सुन ली है बाबा जी। मेरे भाई बहनों कथा का नियम है बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। कुछ कुछ लोग तो उठ उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कथा बिना अनुमति के नहीं सुननी चाहिए, जाना चाहिए कथा में से बिना अनुमति के, बगैर बिना अनुमति के नहीं जाए कथा में से कोई भी। बताया है मेरे भाई बहनों मुनि संग बीदा मांगी त्रिपुरारी चली हूँ भवन संग दक्ष कुमारी। आए तब क्या कहा, संग सती जग जननी भवानी। और जाते वक्त तुलसीदास जी ने क्या कह दिया, चले हो भवन संग दक्ष कुमारी। आते वक्त तो कह दिया संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी भवानी के साथ कथा सुनने के लिए आए, लेकिन कथा ढंग से नहीं सुनी, इसलिए माता सती का अपमान हो गया। माता सती के लिए क्या कह दिया, दक्ष की छोरी के साथ चले गए। उसके पश्चात मेरे भाई बहनों वो काल था जिस समय राम जी की पत्नी माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था, और राम जी माता सीता की तलाश में बन बन में भटक रहे थे, और पेड़ पौधे नदी नालों से माता सीता का पता पूछ रहे थे। इधर से तो जाना हुआ शिव जी का, और उधर राम जी की लीला चल रही थी। तो कथा सुनी इसलिए शिव जी तो समझ गए कि ये तो राम जी है, दूर से प्रणाम कर लिया। लेकिन माता सती तो समझ नहीं पाई, क्योंकि कथा सुनी नहीं थी, तो भगवान को कैसे पहचाने, भगवान के चरित्र को कैसे जाने। राम कथा सुन लेती तो राम जी को पहचान पाती। माता सती ने पूछ लिया शिव जी से, कहा प्रभु क्या बात है, स्वामी क्या बात है, आप एक राजकुमार को प्रणाम क्यों कर रहे हो। तब शिव भोले बाबा ने कहा, देवी ये राजकुमार नहीं है, ये तो भगवान है। तब माता सती ने देखा कि मेरा पति तो बावड़ा ही हो गया है, एक तरफ तो बाबा जी को जाके प्रणाम कर रहे हैं, एक तरफ बाबा जी से कथा सुन रहे हैं, और एक राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। माता सती जाने लगे, तब शिव भोले बाबा की बात पे विश्वास नहीं किया। शिव भोले बाबा ने कहा, देवी आपको कुछ संदेह है तो परीक्षा ले लो। माता सती से पांचवी गलती हो गई, राम जी की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई और सीता बनकर के आगे 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 चलने लगी। राम जी तो चेहरे देखे बगैर ही समझ गए कि मेरी सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता होती तो पाछे पाछे चलती, आगे आगे कौन ही चलती। तो राम जी ने माता सती जो सीता बनी हुई थी हाथ जोड़ करके पूछा, कहा माँ आप इस भीषण जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो, मेरे पिताजी शिव जी किधर है। इतना सुनते ही मेरे भाई बहनों माता सती को पता चल गया ये भगवान है, और माता सती तत्काल अपने पतिदेव के पास पहुंच गई। शिव भोले बाबा ने पूछा, देवी क्या हो गया, आप आ गए, परीक्षा ले ली। सात छठवीं गलती कर दी, सफेद झूठ, बिल्कुल व्हाइट झूठ बोल दिया अपने पतिदेव से। क्या कहा कि मैं तो पहले ही पहचान गई थी, कथा ढंग से नहीं सुनी ना, इसलिए ये गलतियों पर गलतियां गलतियों पर गलतियां होती गई। शिव भोले बाबा ने देखा, रे नारी चरित्र इतना सहज नहीं हो सकता, स्त्री कहीं जाए और गड़बड़ करके नहीं आए, ये तो संभव ही नहीं है। शिव भोले बाबा ने ध्यान लगाया कि क्या गड़बड़ हुई है। शिव भोले बाबा ने ध्यान में देखा कि जिसकी मैं पूजा करता हूं माता सीता, थोड़ी देर के लिए सही मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण किया, और अगर मैं आने वाले समय में माता
सीता बनी हुई सती के साथ पति पत्नी का रिश्ता रखूंगा तो भक्ति की धारा अखंड नहीं रहेगी, वो खंडित हो जाएगी, भक्ति की धारा सूख जाएगी। इसलिए शिव भोले बाबा ने माता सती का तत्काल त्याग कर दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ माता सती का, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, आकाश के देवताओं ने शिव भोले बाबा का मेरे भाई बहन वहां अभिवादन किया, धन्य हो शिव भोले बाबा आप धन्य हो। माता सती ने देखा कि क्या हुआ, शिव जी बहुत दुखी हो गए पत्नी का त्याग करने के कारण और समाधि लगा दी। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि में बैठ के कितने दिन के लिए बैठे? अब देखो माताओं, अगर आपके पतिदेव आपसे नाराज हो जाए और घर से चले जाए, कहीं बाहर चले जाए, अगर एक घंटा नहीं आए, दो घंटा नहीं आए, तीन घंटा नहीं आए, तो आप परेशान होती कि नहीं होती हो? माता दिमाग में विचार करती क्या करे, पकौड़ी बनाएंगे पतिदेव को राजी करेंगे, हलवा बनाएंगे, शीरा बनाएंगे, कैसे ना कैसे पतिदेव को राजी करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ माता सती की क्या स्थिति हुई, माता सती इंतजार करती रही कि कब नेत्र खोले, कब नेत्र खोले, कब नेत्र खोले। शिव भोले बाबा ने 87,000 साल तक नेत्र नहीं खोले। माता सती सुख गई, एकदम एक दिन नेत्र खोले, माता सती सामने बैठी हुई थी, सोचा त्याग कर दिया तो क्या हुआ, किसी समय में मेरी पत्नी रही है और इसका दुख मिटाना मेरा कर्तव्य बनता है। और दुख मिटाने के लिए सबसे सुंदर साधन है मेरे भाई बहनों, कथा सुनो। लोग दुख मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते, कुछ लोग दुख मिटाने के लिए मेरे भाई बहनों अलग 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 प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन सबसे सरल साधन है आप कथा सुनो, आपका दुख मिट जाएगा। तब जब दुख मिटाने की बात आई, शिव जी ने कथा सुनाना शुरू किया, लेकिन वही बात, माता सती का मन थोड़ी लग रहा था क्या कथा में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और उसी समय आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे, शिव जी तो कथा सुनावे और माता सती इधर उधर इधर उधर इधर उधर देखे, बीच में ही रोक दिया, कहा बाबा रुक जाओ, ये विमान कहां जा रहे हैं? बाबा जी ने कहा ये आपके पियर जा रहे हैं। और देखो माता सती के पियर का नाम भले ही सुना, खुद के पियर का नाम नहीं सुना, फिर भी माताओं के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान खिल गई। पियर से माताओं को विशेष प्रेम होता है, विशेष प्रेम। तो जैसे ही माता सती ने मेरे भाई सुना कि मेरे पियर जा रहे हैं, कहा प्रभु क्या कार्यक्रम है मेरे पिताजी के यहाँ पर, मेरे पियर क्यों जा रहे हैं? कहा देवी आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है, यज्ञ में जा रहे, कहा अपन भी चले? कहा नहीं मत जाओ सती, क्यों नहीं जाना है, क्योंकि अपन को निमंत्रण नहीं, और बिना निमंत्रण जाओगी तो मान घटेगा, इसलिए हमें नहीं जाना है। लेकिन माता सती नहीं मानी, बहुत हट किया, बहुत हट किया, और स्त्री हट के आगे शिव जी भी कुछ नहीं कह सके। शिव जी को पता था आगे जाके क्या होने वाला है। दो चारण गणों को विदा किया माता सती के साथ में, माता सती पहुंच गई दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर। जैसे ही माता सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर पहुंची, दक्ष प्रजापति की और शिव जी की एक बार थोड़ी बहस हो गई थी। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी की ओर देखा ही नहीं माता सती की ओर, माता सती को बड़ा दुख हुआ। आगे गई तो अपनी बहनें आई हुई थी, बहनों ने माता सती का अपमान कर दिया, कहा ए सती तो अकेली आई है, तेरा वो भूत भड़ंग पति नहीं आया, आजकल किस शमशान में घूम रहा है, कपड़े पहनता है कि नहीं पहनता है आजकल, आजकल कौन सा डाकन कौन से चुड़ैलों के बीच घूम रहा है। माता सती को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। माता सती आगे गई, आगे माँ खड़ी थी, माँ तो माँ होती है, चाहे त्रेता युग की हो, चाहे सतयुग की हो, चाहे कलयुग की हो। माता सती की माँ ने कहा बेटा आपको यहां नहीं आना चाहिए था, जब आपको निमंत्रण ही नहीं था तो आपने आकर के गलती की है, अब आप यहां से तत्काल प्रस्थान कर जाओ, बाकी ठीक नहीं होगा। लेकिन माता सती ने देखा कि आई हूं तो यज्ञशाला के दर्शन करके ही जाऊंगी, और जैसे यज्ञशाला में गई माता सती,
आगे जो हुआ वो बड़ा खतरनाक था मेरे भाई बहनों। माता सती ने देखा कि सभी देवताओं के लिए भाग निकाल रखे हैं, लेकिन मेरे पति रुद्र के लिए, मेरे पति शिव जी के लिए कोई भाग नहीं है। यहाँ पर माता सती को बड़ा क्रोध आया। एक स्त्री, एक पत्नी दुनिया में सब कुछ सहन कर सकती, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। माता सती ने तत्काल ही विचार किया कि जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है, उस पिता के द्वारा दिए हुए इस शरीर का मैं हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दूंगी, कि मेरा और मेरे पिता का रिश्ता ही नहीं रहेगा। माता सती ने अग्नि कुंड निर्माण किया योग बल के द्वारा, और उसमें खुद की आहुति लगा दी। और मेरे बहन, इस प्रकार से माता सती जो शिवजी की पत्नी थी, आद्य जगदम्बा भवानी का स्वरूप थी, उसने लीला की। हालांकि माता सती ने गलती की, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, वो माता भवानी है, वो क्या गलती करेगी मेरे भाई बहनों। लीला करके हमें संदेश दिया कि कथा में अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे, कथा को आप ध्यान से नहीं सुनोगे, तो फिर आगे जाके यही हाल होंगे जो मेरे हुए थे। इसलिए कथा में संदेह बिल्कुल नहीं करें। कथा पर मेरे भाई बहनों, आप ऐसा नहीं सोचे कि ये क्या कथा होगी, कैसी कथा होगी।